फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। जज्बाती तकरीर कर देने से, अपनी बात कर कह देने से अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका असर भी कभी कभी गलत पड़ता है। मैं मुबारकबाद देता हूं फैजान बाबू, आपने जज्बात की अपनी जज्बात की तर्जमानी किया आपने। अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक ऐसे स्पीकर जिनको मैं सुन करके तबरेज़ हाशमी बना हूं, और वाकईतन मेरी बहुत रहनुमाई की है, मैंने काफ़ी दिनों उनको सुना, उनके साथ रहा, और फिर मैं मुशायरे की दुनिया में आ गया। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे बहुत ही मुखलिस हैं, करम फरमा हैं। इस वक्त जनाब अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, ज़ोरदार तालियां बजा करके उनका इस्तकबाल कीजिए। कि तेरा प्यार दिल से मिटाया नहीं जाता, मैं भूलना बहुत चाहता मगर भुलाया नहीं जाता। तेरा प्यार दिल से मिटाया नहीं जाता, मैं भूलना बहुत चाहता मगर भुलाया नहीं जाता। अगर कोई सूरत हो तो मुझे बतला दो, ये दिल बहुत रोता है मगर फुसलाया नहीं जाता। ज़ोरदार तालियां बजा करके जनाब अख्तरुल ईमान साहब का इस्तकबाल करें। सीमांचल की बहुत ही मशहूर मारूफ अहले इल्म की बस्ती सरजमीन अलता में आज के इस मुशायरे के मुहर्रिक मुंतजिम और दाई जनाब भाई असलम अलीक साहब, दाइश पे तशरीफ फरमा महबूब शायर नात के बहुत ही उम्दा और पाकीज़ा कलमात के शायर, सेकुलरिज्म के रोशन चिराग जनाब शंकर कैमूरी साहब, दिगर मुअज्जज़ सोराय कराम, दाइस पे तशरीफ़ फरमा अजीज़ा चेयरमैन साहबा भाई जनाब इलियास साहब, इस महफिल को सजाने और संवारने में अपना नुमाया रोल अदा करने वाले अजीज़ी मुखिया सलमान साहब, अजीज़ी दिलीप बाबू और दिगर मुअज्जज़ अहबाब, यहाँ पर मौजूद मीडिया के साथियों, मुख्तलिफ पंचायतों के पंचायत नुमाइंदगान, ज़िला परिषद के रुकन अजीज़ी फैज़ान और क़ुर्ब जवार की बस्तियों से आए हुए उर्दू के परवानों, उर्दू के दीवानों, अपनी मादरी ज़बान से मोहब्बत करने वाले उर्दू के शहदाइयों और मुअज्जज़ उलमाए कराम, और मैंने देखा है कि गाँव की बेटियाँ भी आई हैं, नेक बेटियों और पाकीज़ा बहनों, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से असलम अलीक साहब को, जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी साहब के एजाज़ में आज इस महफिल का इनेकाद किया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूं कि सिर्फ ये मुशायरा मुशायरा न हो बल्कि इस वक्त मज़लूम उर्दू की दवा भी बन जाए, उर्दू के ज़ख्म पे मरहम भी लग जाए, उर्दू के मसाइल हल भी हों, और उर्दू से लोगों की जो मोहब्बत बेपनाह मोहब्बत है इसमें और तवानाई और ताज़गी पैदा हो। मुशायरे में नसर पे बात कहना गोया लजीज खाने में कंकरी के बराबर है। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान मखल नहीं होना चाहता, मैं तो मुझे चूँकि दूसरे प्रोग्राम में शामिल होना है इसलिए ज़रा मैंने माजरत खाही कर ली है कि चंद जुमले। असलम साहब ने दावत दी कि सियासी मैदान से ऊपर उठकर भी हम लोगों को काम करना चाहिए, और अदब पर किसी सियासत का नहीं बल्कि सियासत पे अदब का असर होना चाहिए, उसकी इस दावत पर लब्बैक कहकर मैं यहाँ आया हूँ। उर्दू मेरी जान है, उर्दू मेरी माँ की ज़बान है, उर्दू से मुझे इश्क भी है, मोहब्बत भी है, उर्दू मेरा ईमान है, और उर्दू की जहाँ महफिल संवरती है, जहाँ सजती है, वहाँ जाना मेरी पहचान भी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माँ के दूध के कतरों का जो आदमी पर कर्ज होता है वही मादरी ज़बान का कर्ज होता है। उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, इसी गंगो जमन की आगोश में इस ज़बान ने परवरिश पाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने
सबने मिलकर इसकी परवरिश की है। और गुलाम सरवर साहब ने कहा कि यह बात 100% गलत है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी जबान है। जितनी ये बात सच है कि उर्दू हिंदुस्तानी जबान है, उतनी ये बात भी सच है कि आज उर्दू मुसलमानों की जबान होकर रह गई है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं बेचारी उर्दू हूँ, मैं मुसलमान हो गई। इस वक्त मैं उर्दू जबान के ताल्लुक से शोरा आएंगे, कलाम सुनाएंगे, यकीनन है कि उर्दू की खिदमत इन शोरा ने बड़ी की है और इनकी वजह से उर्दू के लबो लहजे में जो ताजगी और बागपन है, उनके मरहूने मिन्नत हम सब हैं। मेरे भाइयों, अगर आप मुल्क की तारीख देखें तो इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उर्दू ज़बान ने जो रोल अदा किया है, यकीनन है कि दूसरी ज़बानों ने अदा की होगी, लेकिन इस लड़ाई में अगर इमामत किसी ज़बान ने की है तो उर्दू ने की है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे हों या सरफरोशी की तमन्ना या सारे जहां से अच्छा, अगर किसी ज़बान ने दिया है हमको अमानत में, हमको वरासत में, तो उर्दू ज़बान रही है। और आज उर्दू कहाँ खड़ी है, इस पर हमको एहतसाब करने की ज़रूरत है। मैं उसी एहतसाब की दावत देने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ कि उर्दू सिर्फ हमारी बोलचाल की ज़बान बन गई है आज? उर्दू एक वक्त यह ज़बान उर्दू मुअल्ला थी और लाल किला की फसील पर इसकी आवाज़ वहाँ से निकलती थी और पूरे मुल्क में उसका असर होता था। आप ये जान रहे होंगे कि आज़ादी के बाद भी उर्दू की हैसियत बड़ी तवाना रही, बल्कि आज़ादी के पहले जवाहरलाल नेहरू के शादी का जो रुक्का छपा था वो उर्दू ही में छपा था। और उस वक्त उर्दू हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, सिख और ईसाइयों के दरमियान में, बिरादरी के दरमियान में तकसीम नहीं हुई थी। लेकिन न जाने क्यों मुल्क की आज़ादी के बाद कुछ दीवानों ने मुल्क को तकसीम कर दिया और मुल्क के तकसीम का असर उर्दू ज़बान पर भी पड़ा। और इस मुल्क में हुकूमत करने वालों ने फिरका परस्ती के लिए जहाँ मजहबी अलामतों का इस्तेमाल किया, वहीं उर्दू ज़बान को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उर्दू को देश निकाला करने की कोशिश की जा रही है। मैं उर्दू के ताल्लुक से बात करते हुए कांग्रेस के लीडर जगन्नाथ मिश्रा को फरामोश नहीं कर सकता, जिसने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत दी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिलने से पहले हम लोगों ने 1980 में मैट्रिक किया है, और हमारे जो हम जलीस रहे होंगे उनको मालूम होगा कि उस वक्त सिर्फ उर्दू बहसियत एक ज़बान की नहीं बल्कि उर्दू मीडियम थी। तारीख की किताब हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आज भी मेरे उस्ताद हयात से हैं, राम बाबू थे तो वो जब हमें पढ़ाते थे मैथमेटिक्स तो उक्लिडस बोला करते थे, ज्योमेट्री को बोला करते थे। हमारे शीतल शर्मा सर थे, मुरक्कब और मखलूत बोलते थे, मकनातीसी कुवत बोलते थे, बैक वक्त उर्दू और हिंदी के दोनों इस्तलाहत इस्तेमाल करते थे। उर्दू उतनी लाचार नहीं हुई थी, लेकिन जब उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, उसी वक्त से बिहार उर्दू टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन ने उर्दू किताबों को छापना बंद कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत मिली, सर पे ताज रखा गया और गर्दन में चुपके से तलवार भी रख दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनने से पहले जो फौकियत हासिल थी, दूसरी ज़बान सरकारी ज़बान मिलने के बाद इनके कुछ ट्रांसलेटर्स, कुछ मुतरजिम, कुछ टाइपिस्ट तो बहाल हो गए, लेकिन उर्दू स्कूलों से निकाल दी गई। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि पहले स्कूलों का मानक मंडल 9+1 था, उर्दू और पर्शियन के टीचर थे, फारसी के टीचर निकाल दिए गए, और अभी मानक मंडल 5+1 का हो गया है, और अगर वो नाफिज हो जाए तो हाई स्कूलों में उर्दू का टीचर भी नहीं मिलेगा। आखिर उर्दू के साथ यह शरारत कौन कर रहा है? मैं किसी और को बदनाम नहीं करना चाहता, उर्दू के साथ अगर कोई गफलत कर रहा है तो वो उर्दू आबादी है, वो आप हैं और हम हैं। आज क्या वजह है कि हम उर्दू के नाम पर जमा हुए हैं? आपके शौक को मैं सलाम करता हूं, लेकिन क्या हमारी बस्तियों में उर्दू के कितने अखबार आते हैं? हम बंगाली भाइयों को मुबारकबाद देते हैं कि शादी में उनके रुक्के छपते हैं तो बंगाली जबान में छपते, लेकिन हमारे यहाँ सुरजापूड़ियों के दरमियान में, उर्दू आबादी में, जिनके रिश्तेदारों का 90% अंग्रेजी से नावाकिफ है, वो अंग्रेजी में रुक्का छापना फख्र महसूस करता है और उर्दू में नहीं बल्कि अब दूसरी जबान में भी छापने लगा है।
दुकानों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है, स्कूलों की पेशानियों से उर्दू गायब हो गई है, सरकारी तमाम तर सर्कुलर के बावजूद भी जो इख्तियारात आपको हासिल हैं, आप और हमने गफलत बरती है। आज कई सालों से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है, और आप जानते हैं पहले रजिस्ट्री ऑफिस में दो उर्दू के कलर्क लाजमी तौर पर हुआ करते थे, एक नकल नवेस होता था, एक प्रूफ रीडर हुआ करता था, लेकिन आपने और हमने जब उर्दू को छोड़ दिया उसकी मुलाजमत भी चली गई। उर्दू सिर्फ मुशायरों से जिंदा नहीं रह पाएगी, उर्दू सिर्फ अदब से जिंदा नहीं रह पाएगी। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ऐवानों में जो है उर्दू के जो ऐवान है, उर्दू की जो अकेडमियां हैं, जो फिक्शन हो या उनका अदब हो, वो आलमी पैमाने का अदब साय हो रहा है। किताबें एक से एक आ रही हैं, नाविल से नाविल तक और दास्तान से लेकर गजल तक जो शायरी हो रही है, बड़े पैमाने की बेहतरीन शायरी हो रही है। लेकिन उर्दू ऐवान में जिंदा नहीं रहेगी, बल्कि उर्दू आवाम से जिंदा रह सकती है, और उर्दू का रिश्ता आवाम से बहुत हद तक कट गया है। हम चाहते हैं कि आइए हम और आप अहद करें कि आज जिस शायर के बागपन के जुमले को हम सुनने के लिए आए हैं, तो किस वजह से उर्दू से हमारा एक लगाव है। मैं बिलखसूस कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क के मैं भर में जाता हूँ तो मैं उर्दू के ताल्लुक से जुमला किए बगैर नहीं रह सकता हूँ कि जो कौम उर्दू अपनी मादरी जबान के साथ इंसाफ नहीं कर सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो शख्स अपनी माँ के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता है। उर्दू से मोहब्बत करना, उर्दू से रिश्ता कायम रखना हमारा लाजमी हिस्सा है, और आज उर्दू सिसक रही है, दम तोड़ रही है। मैं एक बात बिलखसूस उर्दू आबादी से कहता हूँ कि तुम दिल्ली जाते हो, लाल किला की फसीलों को देखते हो, कुतुब मीनार की बुलंदी को देखते हो, जामे मस्जिद की अजमत और तकद्दस को देखते हो, तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है, तुम फख्र करते हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि लाल किला के पास पास होने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, कुतुब मीनार की बुलंदी ढह जाने से तुम्हारा तारीखी नुकसान हो सकता है, लेकिन उर्दू जबान अगर सिमट गई तो तुम्हारा सिर्फ लसानी और तारीखी नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी नस्लों का नुकसान होगा। जबान सिर्फ मुंह से निकलने वाली हवा और बामाना अल्फाज का नाम नहीं है, जबान अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन और माजी की अमी, माजी की दौलत, माजी की अमानत हुआ करती है। आज उर्दू सिर्फ जबान नहीं है, उर्दू एक कल्चर का नाम है, उर्दू एक तहजीब का नाम है। आप जान रहे हैं कि इस मोतन अजीज में जितना काम तारीखी काम, दीना दीनी काम उर्दू में हुआ है, अरब में भी उतना नहीं हुआ है, पर्शियन में भी उतना नहीं हुआ है। इसलिए मैं उर्दू आबादी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उर्दू को संभालिए, अगर उर्दू को आपने नहीं संभाला तो आपका दीनी और अखलाकी नुकसान भी होगा। आपके बच्चे डिप्टी नज़ीर अहमद को नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे हाली को नहीं जानते, सर सैयद के दर्द भरे पैगाम से नाशना है, इकबाल की पाकीज़ा ख्यालात से आपकी आबादी नाशना है, चाहे हिंदी के लोग हों या उर्दू के लोग हों। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि हिंदी के लोगों, हिंदी को संवारो, उर्दू और हिंदी दोनों जुड़वा बहन है, अगर उर्दू मर गई तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। शंकर कैमूरी साहब, आप लोगों का बड़ा फरीजा है, जमुना भी बहे, गंगा भी बहे, तभी संगम जिंदा रहे, संगम बाकी रहेगा। गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो संगम बाकी नहीं रह सकता है। उर्दू अगर मिट जाएगी तो हिंदी भी जिंदा नहीं रह सकती है। मैंने कहा वाकया सुनाया कि गाँव की दो जुड़वा बहन थी, दोनों की पैदाइश एक साथ हुई, रंग रूप एक साथ था, चोट किसी को भी लगती तो आंसू के कतरे दोनों के आंखों से टपकते, ससुराल गई दोनों के साथ मेहंदी लगी, लेकिन एक दुल्हन को जब जहर दे दिया गया तो दूसरी दुल्हन भी मर गई थी। यकीन जानिए जो सर सैयद ने कहा था, हिंदू और मुसलमान इस प्यारी दुल्हन की दो रसीली आंखें हैं, किसी एक को तोड़ दोगे तो हमारा हिंदुस्तान नुमा जो दुल्हन है उसकी सकल सूरत बिगड़ जाएगी। यकीन जानो हिंदी आबादी के लोगों, अगर उर्दू मिट गई तो हिंदी जिंदा नहीं रहेगी, और हिंदी ही नहीं बल्कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो रफाकत है, जो मोहब्बत है, प्रेमचंद के जो अफसाने हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन के जो किस्से उसने बयान किए हैं, हिंदू और मुसलमानों की जो दोस्ती और उल्फत रही है, इस जबान ने हमें जोड़ कर रखा है। आइए हम और आप अहद करें कि इस वक्त उर्दू के जितने मसाइल हैं सब मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, उर्दू का खादिम होने की हैसियत से मैं आपकी तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूं और लोगों से ये मुतालबा करना चाहता हूं कि उर्दू के ट्रांसलेटरों की बहाली क्यों नहीं होती, 70,000 से ज्यादा उर्दू टीचरों की जगह खाली है, वो उर्दू क्यों नहीं बहाल किए जाते, उर्दू अकेडमी की जगह खाली पड़ी हुई है, उर्दू मसावरती कमेटी की जगह खाली हुई है। उर्दू का एक अहम शोबा है जिसका डायरेक्टर कई सालों से मुस्तार है, मांगा हुआ है, डिपुटेशन पर है,
तो मैं कहता हूं कि उर्दू के मसाइल को हल कीजिए, अपने घरों में उर्दू को जगह दीजिए। मेरे एक बात से जबान फिसल गई थी तो बड़ा चर्चा हुआ था, लेकिन मैं तमसीलन फिर कहता हूं कि आज उर्दू आबादी में जाइए और उर्दू के अखबार तलाश कीजिए, तो उर्दू अखबार तलाश करना अब उर्दू आबादी में लगता है ऐसे कि सिखों की बस्ती में हम नाई की दुकान तलाश कर रहे हैं। उर्दू पढ़ने से लोग हो गए, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ने से घबरा रहे हैं, उर्दू की तहरीर उनकी खत्म हो गई है। उर्दू के मुशायरे को कामयाब कीजिए, उर्दू के शोरा को इज्जत बख्शिए, उर्दू का एक पर्चा, उर्दू का एक अखबार अपने घरों तक जरूर पहुंचाइए। अगर उर्दू जिंदा न रही, यकीन जानो हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी तारीख भी बाकी नहीं रहेगी, और हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता है यह पाकीज़ा रिश्ता भी बाकी नहीं रहेगा। जरा मुड़ कर देखो, यही साउथ में तेलुगु और कन्नड़ के नाम पर रियासतें अलग हो गई, पाकिस्तान का दो टुकड़ा सिर्फ हिंदी और बंगला के नाम पर हो गया। आस्कर आलन ने कहा था, किसी कौम को तुम तबाह करना चाहो तो उसकी नस्लों की गर्दनों पर शमशीर मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो। जब कोई काम मादरी जबान जिसकी छीन जाती है, वो कौम तो जिंदा रहती है लेकिन अपनी माजी की वरासत से महरूम हो जाती है, वो यतीम हो जाती है। आइए हम अहद करें, उर्दू लिखेंगे भी, उर्दू पढ़ेंगे भी, अपनी दुकान की पेशानी पे अपने कलम से नजराना लिखते वक्त, नात पढ़ते वक्त उर्दू का हम इस्तेमाल करेंगे, वरना सिर्फ जबान से हम उर्दू की बात करते रहे और उर्दू के कालिब की हमने हिफाजत नहीं की, रस्म उल खत की हमने हिफाजत नहीं की, तो उर्दू में जो चाशनी है वो बाकी नहीं रहेगी। उर्दू जिंदाबाद, आज का ये बेहतरीन बज़्म मुशायरा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आदाब।